अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। तो ये म्यूजिक बीवी जिसका आज पहला व्लॉग है, से शर्म आ रही थी, इनसे बोला नहीं जा रहा था, तो आज हम इनके ड्रेस दिखा देते हैं। आज हमारी दोस्त का इवेंट है, बारात, तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सूट आपको दिखाते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं बहुत सब ठीक ठाक खैरियत से हूँ, हर चीज़ मेरी फिट फाट है। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैं बीमार हो गई थी, थोड़ा मुझे स्टोमच पेन और किडनी इंस्पेक्शन वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से ड्रिप्स वगैरह लग रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम बेटर। तो आज है मेरी दोस्त की बारात है, आज मेरी लाइबाज का नाम है, तो उसकी मैं तैयार होने लगी हूँ। मैंने ड्रेस वगैरह निकाला था, मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अभी दिखाते हैं हम आपको अपना ड्रेस, और ये हमारे मियाँ जी, तो ये तैयारी चल रही है, यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है, सब ये देखते हैं, अब ज्वेलरी वुलरी सब निकली हुई है। और ये देखें मेरा ड्रेस, दिखाइएगा मियाँ जी, ये मैं आज ये पहन रही हूँ, ये मैंने ड्रेस निकाला है अपने लिए, और इसके साथ मैं ज्वेलरी ये वाली सोच रही हूँ, ये वाली पहन लूँ, ये कुंदन की, और बिल्कुल लाइट सी है, बहुत खूबसूरत लगती है। इसके साथ पेन, ये क्योंकि ये बिंदी है तो पेन इसके साथ अटैच है। और ये मैंने अपने लिए सैंडल निकाली है, और ये बहुत प्यारी खूबसूरत सी है, वेलवेट की है ये, इसके साथ जो मैं वेयर करने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अपनी मामा के घर, क्योंकि मैं वहाँ जाकर तैयार होंगी, यहाँ मैं सिर्फ सामान लेने आई थी अपना, ये मेरा ससुराल है, और मैं अपने मायका भी दिखाऊँगी आपको, और वहाँ जाके मैं तैयार होंगी, यहाँ से सामान लेने आई हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, मामा के घर ही मैं रुकी हुई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मामा के घर, वहाँ तैयार होंगी, फिर आपको दिखाऊंगी अपना लुक। ओके, ये मैंने अपने लिए एक शॉल रखी है, अगर रात में थोड़ा सर्दी वगैरह हुई, क्योंकि जो मौसम है थोड़ा ठंडा मौसम है, तो अगर रात में मुझे ठंड वगैरह लगी तो मैं ये वाली शॉल वेयर कर लूँगी। साथ मेरी ड्रेस वगैरह है, और ये मेरी नेल पेंट वगैरह हैं बस, और ये सब सामान फैला हुआ है जो आप देख सकते हैं, वो खिचड़ी बनी हुई है, ये हम रात में आके चेक करेंगे, सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं तैयार होने जा रही हूँ, तैयार होकर हम आपको दिखाएंगे अपना लुक। गाइस, तो मम्मा के आ गई हूँ, और मैंने हाफ़ मेकअप तो कर लिया है, सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं अपने मेकअप करने में इतना बिजी हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं मेरा कुछ ब्लॉग भी कुछ है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना ये मेकअप कर लिया है, और मैं लाइनर तो वैसे नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लाइनर इतना अच्छा लगता भी नहीं है, और अगर लगा लूँ तो मेरी आंखें थी बड़ी, वैसी ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी आईज है, तो और बड़ी बड़ी लगती हैं, तो मैं लाइनर नहीं लगाती। हाँ, मैं वाइट पेंसिल लगा लेती हूँ, जिससे थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है। और ये मेरी बहन का रूम है, सिस्टर का, लेकिन मैं आपसे इसका बाद में शेयर करूँगी। वैसे थोड़ा सा पीछे देख लें, इसने अपना थोड़ा सा डेकोरेट करा हुआ है, और अभी थोड़ा रूम की हालत ना इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बाद में शेयर करूँगी आपसे इसका रूम भी, और अपने घर की जो अपना घर है, मैं आपसे ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में, अभी नहीं, अभी आप सबसे मेरे मेकअप पे कंसंट्रेट करें और थोड़ा तैयार हो जाऊँ, फिर आती हूँ आपके पास। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, गाड़ी में बैठ चुके थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 10:30 का टाइम हो गया था, और बस अब हम पहुँचने वाले हैं। हेलो गाइस, तो हम आ गए लाइबा के इवेंट पे, देख सकते हैं मेरी प्यारी मम्मी कितनी प्यारी है, माशाल्लाह से यकीन करेगी ना लोग भी तुम्हें, मैं आज मेरे साथ है। और यहाँ होती है लड़के वालों की एंट्री, फुल ढोल ढमक करके साथ, जो कि अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था माहौल, एक भी बोल रहा था। और यहाँ होती है खूबसूरत सी एंट्री लाइबा की, उनकी ब्राइड की अपने भाइयों के साथ, जो सारे लड़के थे भाइयों वगैरह बहनों के साथ, उसके बाद आने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, उसके बाद यहाँ फाइनली उनके चूल्हा जी ने इनको पिक कर लिया है स्टेज पर ले लिया अपने साथ। माशाल्लाह
और बस कुछ इस तरीके से इसका इवेंट हमने इंजॉय किया और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हो। और फिर थोड़ा हम लोग का थोड़ा दूर भी है और जाना काफ़ी जाना होता है शब्द को, तो हम लोग बस फुर्सत ही नहीं देखी। हम लोग आ गए थे खाना खाने के बाद, हम लोग आ गए थे बस। फिर आप लोग को भी हमने दिखाया अपना ब्लॉग में। जी फाइनली इवेंट ख़त्म हो चुका है। यहाँ लास्ट में हमने कहा क्यों ना हम भी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बना लें भाई, क्योंकि आखिरकार हम भी न्यू कपल हैं। फाइनली हम घर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही थी, बहुत पहले लगती थी मैं नो, तो इतना थकन हो चुकी है, इतना हम थक गए कि उफ अल्लाह बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। आ चुके हैं अब अपने घर। इवेंट बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही थी लाइव। आप उम्मीद करता हूँ आप हमें लाइक सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार करेंगे। तो हम यहाँ अपना ब्लॉग एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह कल दूसरा इवेंट है मेरी जान के करण के भाइयों है ना भाइयों, तो उस ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।